गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते थे, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये चार टाइप के थे। कौन कौन से? एक एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, स्केल्टन टिश्यूज और वस्कुलर टिश्यूज। सबसे पहले देखो एरियोलर टिश्यूज, मीन्स ये कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। ये जो टिश्यूज है एक क्या काम करता है, तो सबसे पहले जहां पे भी आपका जो स्पेस होगा, मीन्स जहां पे खाली जगह होगी उसको भरने का काम करेगा, ठीक है। जिस भी ऑर्गन के अंदर खाली स्पेस होगा उसको भरने का काम करेगा। और कहां कहां पे मौजूद मिलेगा, ये आपकी स्किन है, ठीक है, ऐसे ही मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व सेल हैं, इनके अंदर मौजूद होता है। तो दिस टिश्यूज फिल दिस स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, मीन्स किसी भी ऑर्गन के अंदर जो खाली स्पेस होगा उसको फिल करेंगे। एंड इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, मीन्स ये स्किन में और मसल्स में पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स के, नर्व एंड द इन द बोन मैरो, और बोन मैरो के अंदर मौजूद होता है। सेकंड है एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज क्या काम करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है। किसका काम करता है? इंसुलेटर का। जैसे मान लो आपको सर्दियों में कंबल की जरूरत होती है, ऊनी कपड़े की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी सेल को भी क्या होती है, हीट की जरूरत होती है। हमारी सेल को भी क्या होती है, हीट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हीट को लॉस होने से बचाता है, मीन्स जो सेल है उनको हीट गर्म रखता है। जैसे हमें सर्दियों में गर्म रहने की जरूरत पड़ती है ना, ठीक वैसे ही सेल्स को भी हीट की जरूरत पड़ती है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, हार्ट के आसपास में, ब्रेन होते हैं, आईबॉल्स के आसपास में मौजूद होता है। देखो इट फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट, मींस ये स्किन के हार्ट में, ब्रेन एंड बिलो आईबॉल्स, और अपनी जो आंखें की होती है उनके नीचे। इट एक्ट एज इंसुलेटर, और ये किसका काम करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है। एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दी बॉडी, और अपनी बॉडी जो अपनी बॉडी है उससे क्या है, हीट लॉस करने से बचाता है। थर्ड कौन सा है, स्केल्टन टिश्यूज। स्केल्टन टिश्यूज के अंदर चार कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से, एक तो बोन, एक लिगामेंट, एक टेंडन और एक कार्टिलेज, ठीक है। बोन, लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज। सबसे पहले बोन्स देखो, बोन आप सभी को पता होगा क्या होती है, ठीक है। जो हड्डियां होती है, मीन्स जो एक क्या करती है, एक तो ये अपना जो बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करती है, ठीक है, ढांचा तैयार करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्केल्टन सिस्टम। और एक ये होती है कि मीन्स ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ती नहीं है, ठीक है। और बोन्स आपकी किससे बनी होती है, कैल्शियम से और फॉस्फोर से मिलके बनती है। देखो इट फॉर्म फ्रेमवर्क, मीन्स ये क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, दैट सपोर्ट दी बॉडी, मीन्स जो बॉडी को सपोर्ट करता है। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। और ये किस किस से बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से। सेकंड कौन सा है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, जैसे मान लो एक बोन ये है और एक बोन ये है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा, लिगामेंट। दो बोन्स को आपस में जोड़ेगा वो क्या है, लिगामेंट। तो लिगामेंट, टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट, मींस दो बोन्स, क्योंकि अगर आपस में जैसे मान लो ये दो बोन्स जुड़ेंगी ना, तो ये एक दूसरे मींस मूव नहीं कर पाएंगी, और मूव करने के मीन्स यहाँ पे बीच में क्या होगा, लिगामेंट आएगा, ताकि ये आसानी से मूव भी कर सके। तो दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाई लिगामेंट, दो बोन्स आपस में लिगामेंट से कनेक्ट होते हैं। दिस इज वेरी इलास्टिक, मीन्स ये इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सीबल होते हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड कौन सा है, टेंडोन। टेंडोन क्या काम करता है, जो मसल्स और, क्योंकि अपने शरीर के अंदर मसल्स होती हैं और बोन्स होते हैं, ये भी तो आपस में जुड़ी हुई मिलती है, मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडोन। मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये काफी स्ट्रोंग होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इट कनेक्ट मसल्स टू बोन, मीन्स ये किसको कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। इट इज फाइब्रस विद ग्रेट स्ट्रेंथ, मीन्स इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। फोर्थ कौन सा है, कार्टिलेज। कार्टिलेज कौन सा होता है, कि जैसे मान लो कोई भी अपनी बोन है जो आसानी से मीन्स इलास्टिक होती है, आसानी से मुड़ जाती है। जैसे अपने नाक और कान, अगर आप कान को देखेंगे तो आसानी से मुड़ जाता है, इसका मतलब, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बोला कि जो हड्डियां होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, मीन्स जल्दी से मुड़ती नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो कार्टिलेज का मतलब क्या है, कि वो हड्डियां जो इलास्टिक होती है थोड़ी, मीन्स आसानी से मुड़ जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो अपनी आंख है, सॉरी आंख नहीं, नाक है, ठीक है, और जो ईयर है वो मुड़ जाते हैं, तो इस और लाइनेक्स है, तो इसका मतलब इनमें कौन सी है, कार्टिलेज। तो दिस इज इलास्टिक,
लेस हार्डर टू अदर बोन्स, मीन्स जो और बाकी बोन्स से थोड़ी हार्ड नहीं होती, कम होती है। इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, अगर आप अपने कान को मोड़ के देखें ना तो आसानी से मुड़ जाएगा, एंड लायरनेक्स। ठीक है, लायरनेक्स आपको पता होगा, 8th क्लास में पढ़ा है, गले के अंदर जो मौजूद होता है। फोर्थ कौन सा है, फ्लूड या वस्कुलर टिश्यूज, मीन्स ये फ्लूड की फॉर्म में या फिर मस्कुलर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ब्लड सेल आएंगी, फ्लूड फॉर्म में अपने शरीर के अंदर जो मिलती हैं वो कौन सी होती हैं, रेड ब्लड सेल, तो ब्लड सेल मौजूद होती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ब्लड सेल, जो ब्लड सेल होती है वो कौन कौन सी होती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ब्लड जो होता है वो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मींस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जो भी सब्सटेंस चाहे वो गैसेस का एक्सचेंज करना हो या फिर हार्मोन का एक्सचेंज करना हो, उनका ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड के अंदर एक फ्लूड होता है, फ्लूड का मतलब थोड़ा गाढ़ा लिक्विड सा, ठीक है, मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर अपनी मिलेंगी व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। देखो, ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनी सब्सटेंस, मींस ब्लड क्या करता है, काफी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लाइक गैसेस एंड हार्मोन्स। ब्लड हैज ए फ्लूड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर एक फ्लूड मैट्रिक्स होता है जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, इन विच आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। इसके अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स। अब देखो आरबीसी क्या होती है, आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, इसका मतलब इनका कलर होगा वो रेड होगा। और इनका रेड कलर एक किस कारण से होता है, एक पिगामेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण से ही क्या करती हैं, इनका रेड कलर होता है। और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते एक जगह से दूसरे। इट कंटेन रेड कलर्ड, मीन्स इनका रेड कलर होता है रेस्पिरेटरी पिगामेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, किसके कारण से होता है, रेड ब्लड, रेड कलर, हीमोग्लोबिन के कारण से, दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करती हैं, हमें बैक्टीरिया है इनके जो हार्मफुल, जैसे बैक्टीरिया से इनसे इन्फेक्शन होता है ना, उससे बचा के रखती है व्हाइट ब्लड सेल, मीन्स अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। तो दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी बाई हार्मफुल बैक्टीरिया, ये अपनी क्या करती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनसे मदद करती है। और प्लेटलेट्स जो अपना ब्लड, जैसे मान लो आपको चोट लग जाती है तो काफी खून बहता है, तो उस टाइम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। तो प्लेटलेट्स क्या काम करेंगी, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, अगर कई बार एक्सीडेंट हो जाता तो ज्यादा खून बहने से डेथ हो जाती है ना, तो इसीलिए मीन्स ये प्लेटलेट्स का होना जरूरी है ताकि ब्लड की क्लोटिंग हो जाए। इट इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इसमें क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग होती है।